फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम लर्निंग मार्केट विद कोहनूर ट्रेडर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सपायरी डे में निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरह से ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे लेवल्स को ड्रा किया जाता है। दोस्तों, ये लेवल इन द मनी और एट द मनी पे काम नहीं करेगा। ये जो मैं स्ट्राइक प्राइस बताऊँगा उसी पर आपको ये लेवल ड्रा करने हैं और उसी पर आपको काम करना है, ठीक है। तो हमारा सीधा टीचिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है कि मार्केट को हमेशा एक कंडीशन देनी है, ठीक है। मार्केट उस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे, चाहे वो कॉल साइड की हो चाहे वो पुट साइड की हो। और फिर उसके बाद हमें अगर प्रॉफिट मिलता है तो हम प्रॉफिट लेते हैं, नहीं तो निफ्टी और फिर निफ्टी में हमारा 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में हमारा 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी स्टडी के लिए चार्ट को पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो हम लोग मार्केट को सबसे पहले लेवल ड्रा करने से पहले हमें एक कंडीशन देनी है, ठीक। वो कंडीशन क्या है? निफ्टी और फिन निफ्टी में ये केवल एक्सपायरी डे पे काम करेगा। अगर आपको नॉन एक्सपायरी डे का लेवल किस तरह से ड्रा किया जाता है ये चीज़ें सीखनी है तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि निफ्टी और फिन निफ्टी में नॉन एक्सपायरी डे में किस तरह से लेवल को ड्रा किया जाता है। कुछ लाइनें होती हैं, उसी लाइन के ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। तो मार्केट को हमें पहली कंडीशन देनी है कि जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होगी एक्सपायरी डे में निफ्टी और फिन निफ्टी में 9:15 से लेके 12:30 तक हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है? 15 रुपये से 20 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम करना है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा कंडीशन हमारा क्या है? दूसरा हम मार्केट को एक कंडीशन देंगे कि 12:30 से लेके 3:08 तक क्या होगा, हम जो काम करेंगे वो 4 रुपये से 8 रुपये की जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। 15 से 20 के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो हीरो टू जीरो सेटअप होता है बहुत ही अच्छा चलता है और वो 4 रुपये से 8 रुपये की स्ट्राइक प्राइस बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाती है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि हमें लेवल्स को किस तरह से ड्रा करना है, ठीक है। पहला कंडीशन हमने ये दिया कि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो 15 से 20 रुपये की रहेगी एक्सपायरी डे में। हमें 15 से 20 रुपये का, जैसे मार्केट ओपन होती है, 15 रुपये से 20 रुपये के बीच की जो एक कॉल होगी उसका चार्ट लगाना है और एक पुट का चार्ट लगाना है, और जो लेवल हम लोग ड्रा करेंगे उस लेवल के ऊपर मार्केट की प्राइस जाती है तो हमें बाई करना है, ठीक। और फिर उसके बाद 12:30 के बाद सेम लेवल्स रहेंगे, लेकिन हम जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम करेंगे वो हम काम करेंगे 4 रुपये से 8 रुपये की पॉइंट की जो स्ट्राइक प्राइस होगी उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत लो रिस्क होता है और हाई रिवार्ड मिलने के चांस होते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये हमारा जो चार्ट है वो है फिन निफ्टी का 23,050 CE का चार्ट है ऑप्शन प्रीमियम का, 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आइए देखते हैं लेवल्स को हमें किस तरह से ड्रा करना है, ठीक। दोस्तों, कॉपी और पेन लेके लिख लीजिएगा, 9:15 से लेके 12:30 तक हमें इसी लेवल पे काम करना है, ठीक है। यानी कि जो हम स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे वो क्या चुनेंगे? 15 से 20 रुपये के बीच की, और 12 बजे के बाद हमें स्ट्राइक प्राइस को चेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रा करना है? सबसे पहले आके हमें, जैसे मार्केट ओपन होती है, हम लोग 9:20 के बाद जो है स्ट्राइक प्राइस को चुनेंगे, 1 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? इस लेवल को ड्रा कर देना है। लेवल को हमें पहले ड्रा कर देना है जो कि 15 से 20 रुपये की स्ट्राइक प्राइस होगी, उसको हमें चुनना है और यहाँ पे हमें लेवल्स को ड्रा कर देना है, ठीक है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो जब मार्केट की प्राइस 24 के नीचे आएगी, 24 के नीचे आके अगर 24 को अपसाइड में क्रॉस कर रही है तो हम बाई करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 20 रुपये से 15 रुपये से 20 रुपये की जो स्ट्राइक प्राइस होगी अगर वो 16 के नीचे आ गई तो 16 के नीचे ही उसके बाद क्या होगा, 16 के नीचे आएगी और 16 के ऊपर जैसे कोई कैंडल क्लोज करेगा या सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चार लाइनें हैं, इसी लाइन के ऊपर हमें काम करना है एक्सपायरी डे में निफ्टी और फिर निफ्टी में। एक हमें लाइन ड्रा करनी है 4 की और एक हमें ड्रा करनी है 8 की। तो ये हमारा क्या है? 0 to 0 लेवल है। 0 to 0 लेवल हम कब प्ले करते हैं? 0 to 0 लेवल को हम प्ले करते हैं 12:30 के बाद। 12:30 के बाद कोई भी स्ट्राइक प्राइस होती है वो अपनी एट द मनी से 1 स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक प्राइस दूर होती है, 50 या 100 पॉइंट दूर होती है निफ्टी फिन निफ्टी में। अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 8 रुपये से जो प्राइस है 8 रुपये के नीचे की जो प्राइस है 4 रुपये से 8 रुपये के बीच की, वो कहाँ तक जा सकती है? 24 तक जा सकती है और उसके ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो 12:30 के बाद हम इस लाइन के बीच में काम करेंगे और 12:30 से पहले हमें काम किस पे करना है, या तो हम 16 रुपये से 8 रुपये के बीच की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम कर सकते हैं या 24 से 16 रुपये के बीच की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जब हम
ट्रेड लेंगे तो कोई भी कैंडल हमारी आके 16 पे सपोर्ट ले रही होगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे, या फिर 24 को अपसाइड में क्रॉस कर रही है तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक बार फिर से दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, हमें क्या चुनना है, 24 रुपये से 16 रुपये के बीच की कोई भी स्ट्राइक प्राइस होगी, 16 के नीचे जाएगी तो हम बाई कर सकते हैं जब ऊपर जाएगी, या फिर इसके बीच में रेंज बना के घूम रही है तो 24 के ऊपर जैसे क्रॉस करेगा जो कैंडल, उस कैंडल को लो का हम स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि 23,050 की जो सी का चार्ट है वहाँ पे मॉर्निंग में क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन होती है 9:15 के बाद, तो आपको वेट करना है, फिर उसके बाद ये क्या है धीरे धीरे इसकी प्राइस कहाँ पर आ जाती है, 20 रुपीज़ के नीचे आ जाती है। ठीक, 20 रुपीज़ के नीचे आ जाती है तो इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं ट्रेड करने के लिए। मार्केट की प्राइस क्या होता है, 16 के नीचे जाती है। ठीक है, 16 के नीचे जाती है तो हमें इस कैंडल के हाई को हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती तो फिर जो भी कैंडल होता इसके ऊपर क्लोजिंग देता वहाँ पे हम लोग बाई कर लेते। ठीक है, तो इस सेटअप की फुल वीडियो बना के यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हम लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट प्राइस इसके नीचे आए फिर अपसाइड में क्लोज़ किया तो ये ग्रीन कैंडल है तो इसका हाई और हम लो मार्क कर लेंगे। अगर मार्केट प्राइस इसके नीचे आ जाती रेड कैंडल बनाती हुई तो फिर से जो ग्रीन कैंडल इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग देता 16 के, तो उस कैंडल का हाई और लो हमें मार्क करना है। ठीक है, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा स्टॉप लॉस 14 का है और बाई कहाँ पे करना है हमें 18 के आसपास, यानी कि 4 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, आपको इसके ऊपर बाई कर लेना है। अगर कोई भी कैंडल 16 के नीचे क्लोजिंग देती है तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो एक्सपायरी डे में 15 रुपये से 20 रुपये की जो स्ट्राइक प्राइस है तो पहला हमारा बाइंग लेवल क्या है, 16। अगर मार्केट की कोई भी मार्केट की प्राइस 16 के नीचे जाती है फिर से आके अपसाइड में क्लोजिंग देगी तो वहाँ पर हम लोग बाई करेंगे, इस कैंडल के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने बाई नहीं किया तो फिर से हमें क्या करना है, इस कैंडल ने क्या किया है, 9:31 की कैंडल ने क्या किया है, हमारे जो 24 है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, तो इस कैंडल के ऊपर जो कैंडल जाएगी उसके हमें बाई करना है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल पे अगर हमने बाई किया है 9:33 पे तो इसके लो के नीचे हम लगा देंगे, यानी कि 24 के नीचे कोई भी कैंडल आके क्लोजिंग देगी तो हमें एग्जिट कर देना है। ठीक, और प्रॉफिट कैसे बुक करना है, आपको हमारा टारगेट कितना होता है निफ्टी और फिर निफ्टी में 10 पॉइंट का। ठीक है, तो जब हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे तो हमारा 24 का है तो 34 का हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक, 34 का हमारा टारगेट है। मार्केट की प्राइस ने क्या किया, एक कैंडल दो कैंडल में 34 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो फिर हमें वेट करना अपना सुपर ट्रेंड का, जब हमारा रेड बनेगा तो फिर हमें एग्जिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 24 के पास बाइंग हुई हो या 16 के पास बाइंग हुई हो, मार्केट की प्राइस ने मार्केट ने हमें कितना दिया, 97 के पास। ठीक, तो 97 के पास हमारी एग्जिट हुई तो 80 पॉइंट का हमें प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद आपको इस स्ट्राइक प्राइस पे काम नहीं करना है, आपको फिर से मार्केट में जाना है, लाइव मार्केट में जो भी स्ट्राइक प्राइस क्या होगी 20 के नीचे होगी उसको आपको चुनना है। ठीक है, जो भी स्ट्राइक प्राइस 20 के नीचे होगी उसी स्ट्राइक प्राइस को आपको चुनना है और उसी पर आपको काम करना है। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों ये लेवल काम करता है एक्सपायरी डे में। अब आइए देखते हैं कि एक पी साइड में हम लोगों को जो सेकंड हाफ में ट्रेड मिला था तो उसे हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड किया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं फिन निफ्टी 23,250 का पी का चार्ट है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट की प्राइस क्या होती है, 16 के नीचे आ जाती है इसकी, और फिर मार्केट की प्राइस लास्ट में क्या करती है, 8 के नीचे आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर 8 के नीचे आ जाती है, कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमें वेट करना कोई भी कैंडल इसके ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ पर ये कैंडल ऊपर गया तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, 8 का हम बाई करेंगे और 8 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग देती है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ले लेना है। ठीक है, जैसे ये कैंडल है 8 के नीचे आती है तो 8 के ऊपर जैसे जाएगी ये सुपर ट्रेंड हमारा ग्रीन बन गया तो इसके ऊपर अगर हमने यहाँ पे बाई किया है तो एक हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हमारा सेटअप बना हुआ है, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर सुपर ट्रेंड ग्रीन है, RSI भी 40 के ऊपर है तो एक हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ले लेना। ठीक है, यानी कि 8 पॉइंट के नीचे मार्केट आती है, अगर 8 पॉइंट के नीचे मार्केट आती है रनिंग कैंडल में तो आपको एग्जिट कर देना है, आपको ये नहीं पता कि मार्केट कितना नीचे जा सकती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप 8 के ऊपर बाई कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे ये 3 पॉइंट का लगाना है
ठीक है, 5 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 3 पॉइंट का। अगर 4 के नीचे मार्केट की प्राइस है तो आपका स्टॉप लॉस आप 3 रुपये भी लगा सकते हैं, या इसका 50% 2 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा जीरो टू हीरो, ठीक है, जीरो टू हीरो सेटअप का है। तो एक ये पहला आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, ये मार्केट प्राइस नीचे है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 8 के नीचे गया, लेकिन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है, अगर ये नीचे गया तो आपका एक स्टॉप लॉस हम मानते हैं हिट हो गया। ठीक है, अगर आप कैंडल का वेट करते हैं तो कैंडल का भी वेट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए। अगर रनिंग कैंडल मार्केट आके आपकी बाइंग स्टॉप लॉस हिट करती है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। फिर से मार्केट इसके ऊपर जाती है, इस कैंडल में 16 को क्रॉस करती है, दूसरा टारगेट आपका 24 का होता है, उसको भी क्रॉस करती है। फिर आपको क्या करना है कि अगर मार्केट की प्राइस अपसाइड में जा रही है तो आपको 3:19 के बाद आपको अपने ट्रेड से जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। 3:19 के बाद आपको अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, फिर वहाँ पे दिक्कत आने लगती है एग्जिट करने में, तो इसलिए 3:20 से पहले आपको अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो एक ये हमारा हुआ। यहाँ पे हमारे लेवल्स क्या हैं, 4 का लेवल है, 8 का लेवल है, यानी कि 12:30 के बाद हम लोग इसी पे काम करेंगे। जो भी स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, 8 के नीचे आएगी। ठीक है, 4 से 8 के बीच में होगी। ठीक है, 4 से 8 के बीच में आएगी तो वहाँ पर हमें क्या करना है, 4 से 8 के बीच में आएगी तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम इसको लगाना है सेटअप को, और उसके बाद जैसे ही 8 के ऊपर जाती है तो आप बाई कर सकते हैं, और इसके नीचे कोई कैंडल, 8 के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग देती है या 5 पॉइंट के नीचे आती है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ले लेना है। तो यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस गया, सेकेंड री एंट्री में क्या हुआ, सेटअप बना हुआ, तो आपको री एंट्री करनी है। री एंट्री हम 2 बार कर सकते हैं, यानी कि एक हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो री एंट्री हम 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे 3-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस रहेंगे, लेकिन आपको रिवार्ड मिलेगा तो बड़ा रिवार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक पी का चार्ट और देखते हैं, फिन निफ्टी 23,200 पी का चार्ट है। ठीक, फिन निफ्टी 23,200 पी का चार्ट है, तो यहाँ पे 2:20 के बाद मार्केट क्या करती है, 2 बजे के बाद मार्केट के बाद प्राइस क्या आती है, नीचे आती है। ठीक है, मार्केट प्राइस नीचे आती है, ये 4 के नीचे आई, तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, 4 के नीचे आई, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था तो हमारा एक पहला क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो फिर से उसके बाद क्या होती है, मार्केट की प्राइस 4 के नीचे आ जाती है तो आपको वेट करना है। ठीक है, कोई भी कैंडल अगर 4 के ऊपर जाती है तो फिर से आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सेटअप बना, और फिर से ये 4 के ऊपर जैसी प्राइस जाती है आपको बाई करना है, और आपको क्या करना है, 2 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, यानी कि 4 रुपये की बाइंग है तो 2 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है। और रिवार्ड, पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, 8 है, 8 के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो फिर आपको बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। 8 से ये कहाँ तक जाता है, 16 तक जाता है, और 3:20 पे आपको अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है जितना भी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 3:20 के बाद आपको एग्जिट करने में समस्या आती है, ब्रोकरेज दिक्कत हो जाती है वहाँ पे, तो आपको अगर 3 बजे ट्रेड मिला है 2:51 की, दोस्तों और कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए, जो आपको एक मोमेंटम मिलता है लास्ट टाइम में, आपको 2:51 की ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट की कैंडल का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल का हाई लो मार्क करना है, कॉल साइड का और पी साइड का दोनों का। तो 2:51 की कैंडल को जब मार्केट हाई ब्रेक करती है 3 बजे से पहले, तो आपको एक मोमेंटम मिलता है। अगर वहाँ पे मोमेंटम नहीं मिला तो आप कॉपी और पेन लेके लिख लीजिए कि 3 बजे की जो कैंडल होती है ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट पे, चाहे वो कॉल साइड की हो चाहे पुट साइड की हो, उसका हाई लो आपको मार्क कर लेना। जब भी उसका हाई ब्रेक होता है तो आपको चाहे वो कॉल साइड का चाहे पुट साइड का, आपको 20 से 30 पॉइंट बहुत तेज़ फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी आप लोग इस सेटअप के ऊपर काम कर सकते हैं, और एक्सपायरी डे के लेवल्स यही हैं। 12:30 के बाद आपको किस पे काम करना है, 8 रुपये से 4 रुपये के बीच की जो स्ट्राइक प्राइस होगी, तो यहाँ पे आपका लॉस भी नहीं होगा, और जो रिवार्ड मिलेगा वो आपको बड़े रिवार्ड मिल सकते हैं। ठीक है, 9:20 से लेके 10:30 तक आपको किस पे काम करना है, जो स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, 20 से लेके 15 के बीच में स्ट्राइक प्राइस होगी, या फिर आपको क्या करना है, 8 रुपये से 16 रुपये के बीच की जो स्ट्राइक प्राइस होगी इस पर आप काम कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, 16 रुपये से 24 रुपये के बीच की जो स्ट्राइक प्राइस होगी उसके बीच में काम करना है। तो 16 के ऊपर जैसे मार्केट कोई कैंडल क्लोजिंग देगी, कैंडल को लो को आपका स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं आप 8 रुपये से 16 रुपये के बीच की स्ट्राइक प्राइस, तो यहाँ पर मार्केट घूम रही है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 16 रुपये के ऊपर जैसे ही कोई कैंडल क्लोजिंग देती है आपको लो का स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर इसी कैंडल को लो का स्टॉप लॉस लगाना है,
और आपको ट्रेड में बने रहना है। अगर आप काम कर रहे हैं 4 रुपये से 8 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के बीच में, तो आपको क्या करना है, कोई भी कैंडल 8 के ऊपर जाती है तो आपको बाई कर लेना है और सेम बाई कैंडल का लो का आपको स्टॉप लॉस लगा देना। ठीक है, 8 रुपये का है तो 5 रुपये का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। प्रॉफिट क्या है आपका, 16 का है और 24 का अपसाइड में। ठीक, तो अगर 4 रुपये के नीचे की कोई स्ट्राइक प्राइस है, अगर एक्सपायरी डे है तो 2:51 के बाद आपको किसके ऊपर काम करना है, 2:51 की कैंडल के 2:51 के बाद आपको किस पे काम करना है, 2:51 पे आपको एकदम छोटे से स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है। ठीक है, जैसे ये 2:51 की कैंडल है, इसका आप हाई मार कर लीजिए। ठीक है, इसका आप लो मार कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ स्टॉप लॉस भी क्या लगाएंगे, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताया आप उसको लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी लाइफ में ग्रो करिए। इसी तरह से एक्सपायरी डे में निफ्टी और फिर निफ्टी में लेवल ड्रा किए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।